बिहार की सियासत में कभी बड़ा नाम रहे अश्विनी चौबे, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह अब साइड लाइन है। लोकसभा चुनाव से पहले इन चारों की बिहार की सियासत में डिमांड थी। चुनाव बीत जाने के बाद अब लगभग सभी किनारे कर दिए गए हैं। आरसीपी सिंह और अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला, वहीं उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा अब विधान परिषद के रास्ते बिहार सरकार में एंट्री की कोशिश में जुटे हैं, जबकि अश्विनी चौबे संगठन में अपनी भूमिका तलाश रही हैं। इधर आरसीपी सिंह बिहार की सियासत से लगभग आउट हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर भाजपा के साथ आए आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे? क्या अब अश्विनी चौबे को भाजपा नेतृत्व ने मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी कर ली है? सियासी गलियारी में ये सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। अश्विनी चौबे जहां प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलकर राजनीतिक तौर पर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा शांति से एनडीए के निर्णय की राह देख रहे हैं। वहीं आरसीपी सिंह सियासी पिक्चर से पूरी तरह गायब है। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत में कभी समीकरण सेट करने वाले ये दिग्गज सियासी जमीन पर कहां खड़े हैं, इनकी ताकत क्या है, ये किस तरह पार्टी और गठबंधन के लिए हितकर साबित हो सकते हैं, पार्टी कब और किस रूप में इसका इस्तेमाल कर सकती है। अश्विनी चौबे की गिनती बिहार भाजपा में बेबाक नेता के रूप में होती है। छात्र सियासत से पॉलिटिक्स में एंट्री मारने वाले चौबे छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं। 1995 में पहली बार भागलपुर से विधायक चुने गए, इसके बाद 2014 तक लगातार यहां से जीते। इस दौरान बिहार में 2005 से 2010 तक नगर विकास पीएचईडी और 2010 से 2013 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2014 में बक्सर से सांसद बने, जिसके बाद केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का जिम्मा मिला। 2019 में लगातार दूसरी बार बक्सर से सांसद बने। 2024 में पार्टी की तरफ से इन्हें बैठी कट कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद चौबे लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं। बैठी कट होने के बाद वे बक्सर में बीजेपी के लिए वोट मांगने नहीं गए। चुनाव के बाद अब वे लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बिना नाम लिए वे उनकी पार्टी में आयातित नेता बता रहे हैं। सम्राट चौधरी जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अश्विनी चौबे अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो उनका किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा केंद्रीय नेतृत्व में चल रही है। भाजपा के जानकार की माने तो अश्विनी चौबे की संघ में मजबूत पकड़ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीधे उनके कनेक्शन है, बचपन से ही वे संघ से जुड़े हैं, वे शुरुआत से ही भाजपा की राजनीति करते आए हैं। उनकी गिनती भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में होती है। राज्य और केंद्र में मंत्री रहते हुए उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है। अश्विनी चौबे की राह में सबसे बड़ा रोड़ा उनकी उम्र है, वे 72 साल से ज्यादा की है। ऐसे में एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टी उनका इस्तेमाल करे इसकी संभावना कम ही दिखाई पड़ती है। पार्टी में अपनी क्या भूमिका देखना चाहते हैं? इस सवाल पर अश्विनी चौबे ने कहा कि उनकी किसी पद की कोई लालसा नहीं है, वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि वे अगले 5 साल तक संगठन में काम करना चाहते हैं। चौबे ने कहा कि वे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यपाल बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में न ही किसी ने संपर्क किया है और न ही उनकी कोई लालसा है। 1984 बैच के यूपी कैडर के आईएएस रामचंद्र प्रसाद सिंह कभी नीतीश के राम कहे जाते थे। दोनों की मुलाकात 1996 में उस वक्त हुई जब आरसीपी केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव थे। आरसीपी नीतीश के राम बन गए, पहले दिल्ली से बिहार आए, फिर जदयू से सबसे दमदार नेता बन गए। औपचारिक तौर पर 2010 से एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री मारने वाले आरसीपी सिंह देखते देखते जेडीयू के नंबर 2 की हैसियत वाले नेता हो गए। 2020 में नीतीश कुमार ने इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर संगठन सौंप दिया। टिकट बंटवारे से लेकर पदाधिकारी के चयन तक सब कुछ वे तय करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। साल 2020 आया, पार्टी अध्यक्ष के नाते नीतीश की नाराजगी के बीच आरसीपी केंद्र की मोदी सरकार में शामिल हुए और दोनों के बीच दरार बढ़ गई। 3 साल में दरार इतनी बड़ी कि आरसीपी नीतीश से अलग हुए और बीजेपी में शामिल हो गए।
जेडीयू में आरसीपी जितने ताकतवर थे बीजेपी में उतने ही कमजोर। नीतीश के राम जब बीजेपी में बस एक कुर्मी नेता बनकर रह गए। 2024 की जनवरी से पहले नीतीश के समकक्ष इन्हें खड़ा करने की तैयारी थी। नालंदा लोकसभा की सीट लगभग इनके लिए तय मानी जा रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश महागठबंधन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, पार्टी में साइडलाइन कर दिए गए। नीतीश कुमार के खिलाफ अभी भी आरसीपी सिंह सबसे बड़े हथियार हैं। ये बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार कब किस तरफ का रुख कर लेंगे, ये किसी को पता नहीं। ऐसे समय में आरसीपी सिंह बीजेपी के लिए बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। लव कुश समीकरण में भी आरसीपी सिंह फिट बैठती हैं। कुशवा में जहां सम्राट चौधरी हैं, तो कुर्मी में आरसीपी सिंह के कद का कोई नेता फिलहाल बीजेपी में नहीं है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवा बिहार की सियासत में वो दो नाम हैं जिन्होंने लव कुश कोइरी कुर्मी सियासत को एक नई ऊंचाई दी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर उपेंद्र कुशवा अपने गृह जिले वैशाली के जनदाहा कॉलेज में लेक्चरर बन गए थे, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति का उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उपेंद्र सिंह से वे उपेंद्र कुशवा बन गए। 2000 में पहली बार जनदाहा से विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते भी। इस जीत के बाद वे नीतीश कुमार के करीबी में शुमार हो गए। 2004 में उन्हें नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा मिला, लेकिन 2005 में सत्ता में आते ही उपेंद्र कुशवा और नीतीश कुमार के बीच दरार पड़ गई। 2005 में नीतीश कुमार से अलग होकर समता नाम की अपनी पार्टी बनाई। 2009 का चुनाव भी इसी पार्टी के बैनर तले लड़ा, हालांकि उनके एक भी कैंडिडेट जमानत तक नहीं बचा पाए। 2010 में नीतीश के कहने पर वापस जदयू में शामिल हुए, इनाम में राज्यसभा की सीट मिली, लेकिन 3 साल बाद फिर नीतीश से दूर हो गए। 2013 में रालोसपा नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। 2014 में एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़े, काराकाट से खुद जीते और मोदी सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री बने। 5 साल बाद फिर पाला बदले और 2019 का चुनाव महागठबंधन के साथ लड़े, लेकिन खुद दो जगह से लड़े और दोनों जगह से हार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से भी नाता टूटा, यहाँ भी मुंह के खाए, हार कर फिर लौटे और 2021 में रालोसपा का जदयू में विलय करा दिया। इनाम में एमएलसी की सीट और जदयू संसदीय दल का अध्यक्ष का पद मिला, पहले डिप्टी सीएम बाद में मंत्री का पद नहीं मिलने पर फिर जदयू से अलग होकर 2023 में राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम की नई पार्टी बना ली। काराकाट से चुनाव लड़े और हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा लगभग पूरी तरह से खामोश हैं, लेकिन जिस तरह से राजद कुशवाहा वोट में सेंधमारी में जुटी हुई है, नीतीश कुमार और बीजेपी उन्हें आसानी से जाने नहीं दे सकती है। चर्चा है कि मीसा भारती के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी जगह खाली राज्यसभा सीट पर एनडीए की तरफ से उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके साथ ही कुशवाहा बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक मजबूत हथियार साबित हो सकते हैं। पहले भी बीजेपी के साथ रहकर वो नीतीश को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी कभी उन्हें खोना नहीं चाहेगी। सभी पार्टियों ने भले अलग अलग कुशवाहा नेताओं पर दाव लगाया, लेकिन बिहार में कुशवाहा के स्वीकार नेता अभी भी उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी भी मास लीडर नहीं रहे, उनकी पहचान एक कास्ट लीडर के रूप में है। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुशवाहा की आबादी लगभग 4.2% है। कुशवाहा भले सीट जीत नहीं पाए, लेकिन सीट को हरवाने में वो सफल रहते हैं।